हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्णा और मेरे चैनल इम्पीरियल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं डीएवी क्लास 8 साइंस का थर्ड यूनिट मेटल एंड नॉन मेटल का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल पीस कैन बी हार्डेंड इन टू थीन शीट्स इज नॉन एज मेलेबिलिटी। उस प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। दूसरा है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ब्रॉन्ज जो है दो मेटल से मिलकर बना हुआ है, कॉपर और टीन। तीसरा है गोल्ड इज मिक्स्ड विथ डैश एंड डैश टू मेक इट हार्ड। गोल्ड को सिल्वर और कॉपर के साथ मिलाया जाता है, तो इसमें आंसर क्या होने वाला है, सिल्वर एंड कॉपर। डैश इज ओनली नॉन मेटल टू हैव अ नेचुरल लस्टर, तो आयोडीन, इसमें आयोडीन होने वाला है क्योंकि आयोडीन में नेचुरल लस्टर होता है। और डैश इज नॉन मेटल विच कैच फायर इन एयर, तो ऐसा नॉन मेटल बताइए जो एयर की कांटेक्ट में आते हैं आग लग जाती है, तो वो कौन सा नॉन मेटल है हमारा, फॉस्फोरस। और छठा है द वनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग। हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होने वाला है, डायमंड, अल्मोनियम ओर, अल्मोनियम ओर को क्या बोलते हैं, बॉक्साइड। और ए नॉन मेटल नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो कौन सा होने वाला है, ब्रोमीन। ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ग्रेफाइट। और मेटलॉइड, आर्सेनिक। मेटलॉइड क्या होता है, ऐसा मटेरियल जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी हो, तो उस चीज़ को मेटलॉइड बोलते हैं। तो मेटलॉइड और आर्सेनिक एक मेटलॉइड का एग्जाम्पल है। सी तीसरा क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है द टू मोस्ट एवेंडेंट मेटल फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ क्रस्ट में एवेंडेंट भारी मात्रा में अर्थ क्रस्ट में जो मेटल मिलता है वो कौन कौन सा है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होने वाला है, बी, अल्मोनियम और आयरन। आर ये दोनों मेटल हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। दूसरा है द मेटल यूज्ड इन मेकिंग एलॉय जर्मन सिल्वर आर। तो जर्मन सिल्वर बनाने के लिए कौन कौन सा मेटल यूज होता है, तो हमारा बी ऑप्शन होने वाला है, कॉपर, जिंक और निकल। तीसरा क्वेश्चन है व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन द रिजल्टिंग ऑक्साइड ऑफ द मेटल, तो वो कौन सा होने वाला है, डी ऑप्शन इज बेसिक ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। तो चौथा क्वेश्चन है आउट ऑफ द मेटल गोल्ड सिल्वर कॉपर एंड अल्मोनियम द वन द मोस्ट डक्टाइल, तो इन सारे मेटल में गोल्ड सिल्वर कॉपर और अल्मोनियम में डक्टाइल कौन सा है, तो गोल्ड होने वाला है, गोल्ड सबसे डक्टाइल है। पांचवा है टू ऑफ द मेटल दैट कैन नॉट बी स्टोर्ड आइदर इन एयर और अंडर द वाटर, ऐसा मेटल बताइए जो एयर और पानी पानी में नहीं रख सकते हैं, तो कौन सा है, पोटासियम और सोडियम, क्योंकि ये दोनों मेटल एयर और ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है और उसमें आग लग जाती है, इसी वजह से हम इसे किरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो वाटर और एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नेम वन मेटल वन नॉन मेटल विच नॉर्मली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, तो मेटल में जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है वो है मरकरी, और नॉन मेटल में जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है वो ब्रोमीन है। दूसरा क्वेश्चन है स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट ऑफ गोल्ड पीसेस, तो इसमें बोल रहा है कि 18 कैरेट गोल्ड को किस तरह से हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो चलिए आंसर देखते हैं। तो प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट, सो 18 कैरेट मीन्स 18 पार्ट गोल्ड एंड 6 पार्ट ऑफ द एलिमेंट, हैंस फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 18 कैरेट इज 18/24। 18 कैरेट गोल्ड मीन्स जो जितना भी कैरेट गोल्ड होगा उसे हम ऊपर में लिखेंगे, और प्योर गोल्ड कितने का होता है, 24, तो 24 हो जाएगा। अगर 16 कैरेट बोलता है तो उसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम 16/24 इस तरह से लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक्स यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिक फिटिंग, तो
तो हमारे सभी के घर में कॉपर वायर ही यूज होता है, वो इसलिए क्यों होता है, तो चलिए आंसर में देखते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आर, पहला कॉपर इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला क्या है, कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इट इज़ मेलेबल एंड डक्टाइल, और इसमें ये दोनों प्रॉपर्टी होता है। और तीसरा, मोर एवर कॉपर इज इकोनॉमिकली टू, इकोनॉमिकली मतलब सस्ता होता है और इजी अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से कॉपर जो है इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एलॉय। एलॉय क्या है हमारा, तो ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड एलॉय। जब दो और दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल को मिला के कोई एक दूसरा कुछ बनाते हैं तो उसे एलॉय बोलते हैं, जैसे स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सब हमारा एलॉय है। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट टू यूजेज ऑफ नॉन मेटल, तो दो नॉन मेटल का यूज़ लिखना है, तो नॉन मेटल का दो यूज, चलिए आंसर देखते हैं। तो टू यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स आर, फॉस्फोरस इज यूज इन मैच बॉक्स इंडस्ट्री एंड फर्टिलाइजर्स एंड आयोडीन इज यूज एज ए एंटीसेप्टिक, तो ये दोनों यूज जो है हमारा नॉन मेटल का है। और ई जो है मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।